farmohub.pk। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है फिजिकल फार्मेसी में, वो यूनिट नंबर 7 एक्सट्रैक्शन है, जिसके अंदर हम लोगों ने मैसिलेशन, पर्कुलेशन, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन और लार्ज स्केल एक्सट्रैक्शन के पर्पसेस और प्रोसीजर्स डिटेल में देखने हैं। बट बिफोर गोइंग इनटू दैट डिटेल, वी नीड टू नो द बेसिक्स। और सबसे पहले जो एक्सट्रैक्शन की डेफिनेशन, एक्सट्रैक्शन से मुराद क्या है? एक्सट्रैक्शन से मुराद ये है कि आपने सिंपली सॉल्युबल मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करना है, उसको निकालना है विद द हेल्प ऑफ एन एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट फ्रॉम इनसॉल्युबल रेसिड्यू। के तौर पर इसको आसानी से समझाऊंगा। सबसे पहले तो जैसे चाय हम लोग बनाते हैं, तो चाय की पत्ती के अंदर हमें क्या चाहिए? उसका कलर चाहिए, उसका टेस्ट चाहिए और ऑब्वियसली कैफीन चाहिए। सो जब हम लोग चाय को बॉयल करते हैं विद द हेल्प ऑफ बाय एडिंग इट इनटू वाटर और मिल्क, होता क्या, ये सब कुछ जो है वो सॉल्युबल होती हैं, चूंकि ये टैनिंस या जो उसके कलर प्रिंसिपल्स हैं या जो कैफीन है या जो उसका टेस्ट है वो सॉल्युबल प्रिंसिपल्स हैं, तो वो पानी या दूध के अंदर आ जाते हैं, बाकी आपके पास एग्जॉस्ट रह जाता है जो कि हम लोग उसको स्ट्रेन ऑफ कर लेते हैं। सो तब रिमूवल ऑफ सॉल्युबल मटीरियल, सॉल्युबल मटीरियल को रिमूव करना है, सॉल्युबल मटीरियल कैन बी मे बी लिक्विड और सॉलिड फ्रॉम इनसॉल्युबल रेसिड्यू बाय ट्रीटमेंट विद अ लिक्विड सॉल्वेंट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन। सो जो प्लांट या एनिमल टिश्यूज हैं उसको हम लोगों ने अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट के साथ ट्रीट करना है ताकि डिजॉल्व हो जाए मेडिसिनली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स उस सॉल्वेंट के अंदर। इस प्रोसेस को सिंपली एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस ऑल? सबसे पहला जो पर्पस है वो ये कि आपने एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो कि नेचुरल या वेजिटेबल ऑरिजिन के हैं उनको हम लोगों ने सेपरेट करना है। दूसरा इसका है स्टैंडर्डाइजेशन करनी है हम लोगों ने, ताकि जो थेराप्यूटिक डिजायर्ड पोर्शन है एक किसी भी ड्रग का, किसी भी क्रूड ड्रग का, उसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट उसको बाहर ले आए। जो सॉल्वेंट है उसको हम लोग मेस्ट्रम बोलते हैं। अब क्या इस एग्जांपल से क्या मुराद है? अगर मैं स्टैंडर्डाइजेशन की एग्जांपल दूं तो जो हम लोग लॉन्ग रखते हैं दांत के पेन के लिए, उसके अंदर जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो होता है यूजिनोल। अब यूजिनोल आपको लॉन्ग से भी राहत मिलेगी और उसके साथ आप जब हम लोग उसका ऑयल का एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल करेंगे जो कि एज अ मेडिसिन यूज होता है, उससे आपको जल्दी रिलीफ मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ उतना ही कॉन्स्टिट्यूएंट है जितना आपको जरूरत है, जबकि लॉन्ग के अंदर दूसरे प्रिंसिपल्स भी हो सकते हैं जो कि इस प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकते हैं। एंड हैंस द एक्सट्रैक्ट जो ऑब्टेन होता है वो मेडिसिनल एजेंट होता है जिसको हम लोग फ्लूइड एक्सट्रैक्ट्स या टिंक्चर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं और बाद में उसको प्रोसेस करके हम लोग दूसरे डोजेज फॉर्म्स लाइक टैबलेट्स, कैप्सूल्स, उसके माउथ वॉशेस, एयर ड्रॉप्स और इन सब में यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल है, ये डायग्राम है जैसे आप देख सकते हैं ऑलरेडी कि लेट्स से ये जो ब्लैक ड्रग है दैट इज नॉट वेरी सॉल्युबल इन दिस लिक्विड, तो हम लोग इसके अंदर इमिसिबल सॉल्वेंट ऐड करेंगे जिसके अंदर ये ड्रग ज्यादा सॉल्युबल है। उसको जब हम लोग शेक करेंगे तो जो ड्रग है वो ऊपर वाली लेयर में चली जाएगी, उसको बाद में हम लोग अलग कर लेंगे। प्रिंसिपल क्या है एक्सट्रैक्शन का? इसका प्रिंसिपल है मास ट्रांसफर। जो मास है आपके पास उस क्रूड ड्रग का या एनिमल पोर्शन का, एनिमल पार्ट पोर्शन का, वो निकल के आ जाएगा उस सॉल्वेंट के अंदर, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ मास। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ वेजिटेबल? जो पर्पस है हमारे पास इन ड्रग्स को एक्सट्रैक्ट करने का वो सबसे पहला है टू रिड्यूस बल्क ऑब्वियसली, क्योंकि यू कांट वी कांट ट्रांसपोर्ट, वी कांट इजीली स्टोर द होल प्लांट और द प्लांट पार्ट। सो उसके एक्सट्रैक्शन के अंदर आप उसको बॉटल्स के अंदर उसका बल्क भी रिड्यूस हो जाएगा, उसकी ट्रांसपोर्ट भी ईजी हो जाएगी और उसका स्टोरेज भी ईजीली किया जा सकेगा। सेकेंड पर्पस इज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द कॉन्टेंट दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। तीसरा डिटीरोरेशन मिनिमाइज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अब यू नो प्लांट पार्ट्स के अंदर एंजाइम्स होंगे जो कि आपके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को डिग्रेड कर सकते हैं। सो ऑलरेडी जो कि वो आपने एक्सट्रैक्ट बनाया हुआ है तो उसके अंदर कोई एंजाइम नहीं है, तो आपकी डिटीरोरेशन मिनिमाइज हो जाएगी। पैलेटेबल फॉर्मेशन होगी वो, क्योंकि आप जो है क्रूड मटीरियल को इंजेक्ट नहीं कर सकते। वी नीड द स्टैंडर्डाइज कंटेंट जिसको हम लोग इंजेक्ट कर सकें। Now talking about the theory of extraction,
थ्योरी के अंदर पांच पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट होता है साइज रिडक्शन, के साइज रिडक्शन का पर्पस है उसको एक इतने साइज में लेके आना कि मैक्सिमम सरफेस एरिया एक्सपोज हो सॉल्वेंट के साथ। सेकंड इज द पेनिट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इन द ड्रग, जब ऑलरेडी उसके अंदर साइज कम होगा तो जो सॉल्वेंट है वो इजीली पेनिट्रेट कर जाएगा ड्रग के अंदर। जब वो ड्रग के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा तो थर्ड पॉइंट में वो सोलुबलाइज होना शुरू होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो कि उस खास सॉल्वेंट के अंदर सोलुबल हैं उस ड्रग के। देन और जो सोल्यूशन बनेगा कॉन्स्टिट्यूएंट प्लस सॉल्वेंट वो सेल से बाहर आ जाएगा और हम लोग एग्जॉस्टेड ड्रग और सोल्यूशन को ईजीली सेपरेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी दैट देम इन डिटेल। सबसे पहले है साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन का जो पर्पस है दैट इज द प्रॉपर एक्सट्रैक्शन टू मैक्सिमाइज सरफेस एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट, ताकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा एक्सट्रैक्शन जल्दी भी होगी और अच्छी भी होगी। इफ द ड्रग इज रिड्यूस टू इंडिविजुअल सेल लेवल इट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन, बट इट इज नॉट फिजिबल टू रिड्यूस द साइज ऑफ मटीरियल टू द सेलुलर लेवल बिकॉज इट मे कॉज डिकम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, क्योंकि जो सॉल्वेंट है उसने सेल के अंदर जाना है तो उसका नुकसान क्या हो सकता है कि कोई और सेलुलर कंटेंट्स भी आपके पास सॉल्वेंट में आ सकते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए, एक्सट्रैक्ट्स डाइल्यूट हो सकते हैं। उसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो डिकम्पोज भी हो सकते हैं जब आप उसको शेयर दे रहे हैं, जब आप उसको स्ट्रेस दे रहे हैं उसको उसका पार्टिकल साइज कम करने के लिए, तो उसके अंदर हो सकता है जो वोलेटाइल मटीरियल है वो भी लॉस हो जाए। उसके अलावा अगर आपने बहुत फाइन पार्टिकल कर दिए तो दैट आर नॉट गुड फॉर सस्पेंशन बिकॉज सस्पेंशन दे वुडंट सेडिमेंट एट द डिजायर्ड रेट, और पार्टिकल साइज सेलुलर लेवल पे होगा तो वो स्टिकी मैस बनने के ज्यादा चांसेस हैं। देन एप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ साइज रिडक्शन विद कंप्लाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। अगर आपने एप्रोप्रिएट साइज रिड्यूस किया हुआ है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? इंक्रीज सरफेस एरिया हो जाता है बाय डिस्टॉर्शन और ब्रेकिंग ऑफ सेल व्हिच फैसिलिटेट पेनिट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्युबल मटेरियल एस्केप इजीली हो सकते हैं। एंड ऑल्सो देयर इज डिक्रीज इन रेडियल डिस्टेंस दैट इवेंचुअली हेल्प्स इन द सेटिंग अप ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बट देयर आर सेवरल डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस साइज रिडक्शन प्रोसेस एज वेल, लाइक इट स्लोस डाउन द रेट ऑफ पर्कुलेशन। पर्कुलेशन हम लोग डिटेल से देखेंगे आगे। There is also the difficulty in separation of insoluble solids and poor quality of extract by extracting undesirable constituents. अगर आपने solvent ठीक तरह से choose नहीं किया हुआ या उसका grade कम है तो वो undesirable constituents को भी अपने अंदर dissolve कर सकते हैं जो कि ultimately उसके जो quality है extract की उसको कम कर देगी। Then degree of size reduction, कि कितना size reduce करना है वो कितना होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द बोटेनिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग, वो स्ट्रक्चर कौन सा है। फॉर एग्जांपल अगर ड्रग सॉफ्ट है लाइक जेंटियम तो आप उसको स्लाइस कर लें ड्रग को, बट अगर वो मॉडरेटली कोर्स है करने तो वो इसलिए वो कैस्केरा बार या बेलाडोना के हिसाब से इस तरह के ड्रग्स के लिए होगा। देन हार्ड या हुडी ड्रग्स को आप मॉडरेटली फाइन करते हैं लाइक आईपी कैक्वाना, एंड लीफी स्ट्रक्चर्स को हम लोग कोर्स पाउडर में कन्वर्ट करते हैं। सो एप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ साइज रिडक्शन रिजल्ट दैट कॉज कुछ सेल क्रैक कर देते हैं, कुछ डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, जो पार्टिकल साइज है दैट विल नॉट रिजल्ट इन अ वेरी लॉन्ग पैथ ऑफ सॉल्वेंट, और पार्टिकल विद लार्ज सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा सरफेस एरिया फॉर एडिक्वेट मैस ट्रांसफर। एरी के अंदर जो दूसरा पॉइंट है दैट इज द पेनिट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इन द ड्रग। सो अ ड्रग इन अ ड्राई स्टेट वो पोरस होती है ड्यू टू श्रिंकेज एंड पोर्स कंटेन एयर। आपने उस एयर को रिमूव करना है या डिस्प्लेस करना है विद द सॉल्वेंट जो कि एंटर करेगा उन पोर्स के अंदर और इवेंचुअली सेल्स के अंदर। बट व्हेन द सेल इज ड्राइड जो माइसेल्स हैं जो सेलुलोज है सेल वॉल के अंदर दैट लॉसेस इट्स फिल्म ऑफ वाटर। So when the drug is moistened, the cellulose in cell wall take up the liquid film and the tissue swell ho jate hain. Swelling yahan tak continue rehti hai ke cohesive forces equal ho jati hain liquid layer ke andar, or swelling may occur due to distension of cell wall ya bursting of thin walled cell. Or swelling is important taaki jo solvent hai wo achhe tarike se penetrate kar de aur remove kar de jitni bhi air hai usko usme
उसमें प्रेजेंट जितनी बियर है उसको डिस्प्लेस करते हैं। देन आफ्टर द पेनिट्रेशन देयर नीड्स ऑफ सोलुबलाइजेशन, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड डिजायर उनको सोलुबलाइज होना है, सो इट टेक्स प्लेस एंड इज गवर्न्ड बाय सरफेस एरिया, टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। सो सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है दैट इज द एलिवेशन ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो प्रोसेस है वो जल्दी होना शुरू हो जाता है एंड डिसोल्यूशन स्टार्ट होती है। डिसोल्यूशन इज ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट इज मास फ्रॉम द सॉलिड इनटू सॉल्यूशन। सॉलिड स्टेट के अंदर जितने भी आपके पास वो ड्रग्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो क्या होता है, वो आना शुरू हो जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर। सो डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस। नेक्स्ट इज द एस्केप ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम सेल्स। सो जो डिसॉल्व्ड मटेरियल है दैट रीच द सरफेस ऑफ द पार्टिकल दैट मस्ट पास थ्रू द बाउंड्री लेयर एट द सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, उसके बाद जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, दिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन डिफ्यूजन, बिकॉज के सॉल्वेंट के अंदर पहले कुछ नहीं था और तो और चूंकि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ड्रग इन दैट पार्ट वॉज मोर, सो वो जो है वो सोल्यूशन के अंदर आ जाएगा। सो द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पार्टिकल आउटवर्ड्स एंड थ्रू द बाउंड्री लेयर, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ द बाउंड्री वॉल एंड डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोसेस जो थ्योरी के अंदर आता है हमारे पास, दैट इज सेपरेशन ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन एंड एग्जॉस्टेड ड्रग। तो इस प्रोसेस के अंदर जो इमर्शन ऑफ ड्रग है बल्क ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, उसको हम लोग स्ट्रेन ऑफ कर लेते हैं, छान लेते हैं उसको हम लोग। तो सॉल्वेंट जो है वो ऑलरेडी आप ले लेते हैं और बाकी छाननी में या स्ट्रेन के ऊपर आपके पास जो मटीरियल है वो आप उसको ले लेते हैं। Now let's see some terms that are used in this process. First of all is extractive. Extractives basically are concentrated preparations of either vegetable or plant drug that is obtained by the removal of active constituents of the respective drug with suitable menstruum, evaporation of all or nearly all solvent. हम लोगों ने ऑलरेडी उसको पहले एक्सट्रैक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट और बाद में सॉल्वेंट को मैक्सिमली रिमूव करना है ताकि कंसंट्रेटेड प्रिपरेशन हमारे पास आ जाए। नेक्स्ट डेफिनेशन इज टिंक्चर, दैट आर एल्कोहलिक और हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशंस दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेजिटेबल मटीरियल और फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंसेस लाइक बेलाडोना टिंक्चर। देन मेंस्ट्रम, द सॉल्वेंट दैट इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन इज कॉल्ड menstruum. So it may be polar like water, methanol or acetone. It may be non-polar like chloroform, hexane, benzene, toluene, diethyl ether, or it may be solvent with dielectric constant less than 15 that are considered usually non-polar. Next definition is mark. So wo inert fibrous material ya insoluble material jo bach jata hai after extraction usko hum log mark bolte hain. Then fluid extract. These are liquid preparations of vegetable drug that contain alcohol as solvent or as preservative, yeah, both. Alcohol, you know, is used as preservative as well as solvent. Yeah, aise preparations in ke andar alcohol hai as a solvent ya preservative, unko hum log fluid extracts bolte hain. They are made in such a way that 1 ml of extract contain the therapeutic constituent of 1 gram of standard drug. For example, Cascara Sagrada fluid extract. Then expression. Expression basically pressed, squeezed या compressed हमारे पास material है या process है जिसके अंदर हम लोग fragrance extraction को करते हैं, मतलब this process is mostly used in extraction of volatile oils. And finally clinicals, these are extracts that are initially obtained by maceration और लीचिंग प्रोसेस और बाद में उसको हम लोग कंसेंट्रेट करते हैं और उसको ड्राई एक्सट्रैक्ट बना देते हैं। ड्राई एक्सट्रैक्ट एक विस्कस एक्सट्रैक्ट या लिक्विड एक्सट्रैक्ट, मतलब सारा प्रोसेस वही है जो हम लोगों ने करना है, लेकिन उसको बाद में हम लोगों ने कंसेंट्रेट करना है। और क्रूड एक्सट्रैक्ट्स को जब हम लोग स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं तो उनको क्लिनिकल्स बोलते हैं।
Now let's see some applications of this process. So applications kya hain extraction ki? Extraction of fixed oils from seeds, preparation of alkaloids such as strychnine from Nux vomica and quinine from Cinchona bark. We can also use this process to isolate enzymes as resins and hormones as insulin from animal sources, extraction of morphine from opium, extraction of resipine from Rauvolfia serpentina, and also gelatin that is used for making capsule shells. So capsule shell ka ke andar gelatin use hoti hai. It is also produced by conversion of skin and bone collagen by treatment with lime or dilute acid. Aur usko baad mein hum log warm water ke saath extract karte hain. Talking about the types of extraction, basically do tarike hain jo do तरीकों से डिवाइड किया हुआ होता है इसको अकॉर्डिंग टू द सिलेबस लाइक सॉलिड सॉलिड एक्सट्रैक्शन दैट इज आल्सो कॉल्ड लीचिंग और इसके अंदर आता है हमारे पास मैसिलेशन परकुलेशन एंड कंटीन्यूअस एक्सट्रैक्शन हाउएवर दूसरा है इसके अंदर लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन जिसको हम लोग काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन भी बोलते हैं नाउ व्हाट आर द मेन प्रोसेसेस दैट आर यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन सो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बेसिकली इसके अंदर इन्फ्यूजन्स आती हैं डिकॉक्शंस आते हैं मैसिलेशन परकुलेशन और डाइजेशन आते हैं सबसे पहले इन्फ्यूजन क्या होती है इन्फ्यूजन बेसिकली एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग इसमें केमिकल कंपाउंड्स या फ्लेवर्स फ्रॉम प्लांट प्लांट मटेरियल इन सॉल्वेंट प्लांट मटेरियल से सॉल्वेंट के अंदर हम लोग एक्सट्रैक्ट प्रोड्यूस करते हैं इसके अंदर दो तरीके की इन्फ्यूजन होती हैं दैट मे बी फ्रेश इन्फ्यूजन और कंसनट्रेटेड इन्फ्यूजन देन डिकॉक्शन डिकॉक्शन सेम है इन्फ्यूजन का लेकिन डिकॉक्शन के अंदर हीट प्रोसेस इन्वॉल्व होता है देन मैसिलेशन मैसिलेशन के अंदर अभी डिटेल से पढ़ना है हमने सॉल्वेंट के साथ ड्रग को कॉन्टेक्ट में रहने देते हैं और एक्सट्रैक्शन पॉज करते हैं मैसिलेशन के आगे से तीन टाइप्स हैं सिंपल मैसिलेशन मैसिलेशन विद एडजस्टमेंट एंड मल्टीपल मैसिलेशन देन परकुलेशन परकुलेशन इज ऑल्सो मैसिलेशन बट इन It involves some additional steps as well as its operator is specific. Percolation में simple percolation आती है, continuous percolation आती है, and percolation process for concentrated preparations. उसमें हमारे पास reverse percolation और modified percolation आती है. Next is digestion. Digestion is the extraction by heat at particular pressure. लेकिन हमारा जो मेन इस चैप्टर में कंसर्न है वो मैसिलेशन है परकुलेशन है और लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन या कंटीन्यूअस एक्सट्रैक्शन नाउ टॉकिंग अबाउट द सॉलिड सॉलिड एक्सट्रैक्शन दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड लीचिंग इसके अंदर सिंपल सा इसका प्रोसीजर है कि सॉल्वेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सॉलिड क्रूड ड्रग से हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट करना है बाय सूटेबल सॉल्वेंट प्रिंसिपल अगेन सूटेबल साइज रिडक्शन कॉन्टैक्ट एंड पेनिट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट solution of soluble matters in cells leaching of solution out and separation of solution from exhausted drug jaise ab upar hum logon ne theory mein details in sub principles ki baat kar li hui now kaun sa leaching process humne use karna hai that depends on the following characteristics ya following factors sabse pehle character of drug drug ki kis kisam ka hai hard or tough materials ke liye percolation istemal hoga unpowderable material ke liye maceration istemal karte hain और ऐसी ड्रग जिनका हाई थेरापूटिक वैल्यू है और मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन रिक्वायर्ड है उसके लिए हम लोग परकुलेशन इस्तेमाल करते हैं इसकी एग्जांपल है बेलोजोन एक्सट्रैक्ट्स देन स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग्स जो थर्मोलेबाइल ड्रग्स हैं उनके लिए हम लोग मैसिलेशन और परकुलेशन इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इन दोनों प्रोसेस में यूजली हीट इन्वॉल्व नहीं होती देन कॉस्ट ऑफ ड्रग्स कॉस्टली ड्रग्स के लिए हम लोग परकुलेशन इस्तेमाल करेंगे जबकि चीप ड्रग्स के लिए मैसिलेशन का इस्तेमाल करेंगे solvent maceration process recommended if water is used as solvent aur agar percolation process hai to hum log non aqueous solvents istemal karte hain kyunki water is easily available jabki jo non aqueous solvents are they are quite expensive percolation mein hum log jab padhenge to aapko bataunga main ke jo solvent percolation ke baad hasil hota hai usko dobara reuse kiya ja sakta hai usi process ke Now and at last concentration of product कि आपको कितनी concentration चाहिए dilute products के लिए जैसे tinctures होते हैं उनके लिए हम लोग maceration या percolation कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं depending on the other factors
जो सेमी कंसेंट्रेटेड प्रिपरेशंस हैं लाइक कंसेंट्रेटेड इन्फ्यूजन्स, उसके लिए डबल ट्रिपल मैसिलेशन इस्तेमाल करते हैं, और ड्राई एक्सट्रैक्ट्स बनाने के लिए हम लोग पर्कुलेशन प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। There are several factors that affect the leaching process, like pre-treatment of crude rock, किस तरह का किया आपने, temperature कितना है, size, particle size कितना है, और nature of solvent कौन सी है। First of all is maceration. Maceration comes from the Latin macerare that means to soak. इसके अंदर soak करने से, जिस तरह आप चने बनाने के लिए अम्माएं क्या करती हैं कि रात को चने जो है वो पानी में डाल देते हैं, सुबह तक वो कुछ स्वेल अप हो जाते हैं और इजीली वो प्रेशर में बन जाते हैं। सो मैसिलेशन भी यही प्रोसेस है कि सोक करना है आपने ड्रग को विद वाटर या सूटेबल सॉल्वेंट। तो द सिंपल दिस सिंपल वाइडली यूज प्रोसीजर इन्वॉल्व्स लीविंग द पल्वराइज्ड मतलब रिड्यूस्ड ऐसा प्लांट मटेरियल जो कि साइज रिड्यूस्ड है जिसका, टू सोक इन अ सूटेबल सॉल्वेंट इन अ क्लोज कंटेनर। एंड ड्रग इज सोक विद मेस्ट्रम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, जब तक तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स जितना आपने सॉल्वेंट दिया है उसके अंदर नहीं आ जाते। टॉकिंग अबाउट द फॉर्मल डेफिनेशन, इट इज अ प्रोसेस इन विच प्रॉपरली कम्यूनिटेड ड्रग्स इज परमिटेड टू सोक इन द मेस्ट्रम अंटिल द सेलुलर स्ट्रक्चर इज सॉफन एंड पेनिट्रेटेड बाय द मेस्ट्रम एंड द सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर डिजॉल्व इन दैट मेस्ट्रम। इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं लाइक मार्क। मार्क इज दैट सॉल्युबल रेजिड्यू जो कि बच जाता है आफ्टर द एक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअम। सिंपल मेंस्ट्रुएशन अ प्रोसेस फॉर टिंचर्स दैट मेड फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स लाइक रूट स्टेम्स और लीव्स, एंड मेंस्ट्रुएशन विद एडजस्टमेंट इज अ प्रोसेस फॉर टिंचर्स मेड फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेलुलर कंपोनेंट्स नहीं होते लाइक गम्स लाइक रेजिन्स एक्सेट्रा सच एज ओलियो रेजिन्स एंड गम रेजिन्स। एंड मैसेरेशन कैन बी डन बाय वन टू और थ्री टाइम्स फॉर इफेक्टिव रिजल्ट। सो इसको हम लोग सिंगल डबल और ट्रिपल मैसेरेशन बोलते हैं। इसके एप्लीकेशन क्या हैं? द एप्लीकेशन इज दिस मेथड इज सूटेबल फॉर बोथ इनिशियल एंड बल्क एक्सट्रैक्शन एंड ऑल्सो दिस इज यूज टू प्रिपेयर टिंक्चर्स एंड कंसनट्रेटेड पाउडर। खुलासा क्या है इस पूरे प्रोसेस का? जो प्लांट मटेरियल है उसको क्रश करना है, कट करना है, या पाउडर में कन्वर्ट करके उसको एक क्लोज वेजिन में रखना है, मैसूरम ऐड करना है, 7 दिन के लिए उसको रख देना है, और ओकेजनली उसको हम लोगों ने शेक करना है, लिक्विड को स्ट्रेन ऑफ कर लेना है, सॉलिड रेजिड्यू को प्रेस करना है ताकि जितने भी उसके अंदर सॉल्वेंट है वो सारा बाहर आ जाए, जो एक्सप्रेस लिक्विड है उसको स्ट्रेन कर लेना है, क्लेरिफाइड करना है बाय फिल्ट्रेशन, और इवेपोरेशन करनी है और कंसनट्रेशन करनी है। यूजुअली ये अगर आपने फिजिकल फॉर्मेशन में प्रैक्टिकल किए हैं तो ये प्लांट का मटेरियल है, इसके अंदर दिस इज अ एक्सट्रैक्ट, इसी चीज का एक्सट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन इस प्रोसेस के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो ये कि दिस इज क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग। इट मे टेक फ्रॉम फ्यू आवर्स टू सेवरल वीक्स। और मल्टीपल मैसिवेशन क्या है? इन ऑर्डर टू अचीव मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन बाय यूजिंग पोर्शंस ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रम फॉर सक्सेसिव मैसिवेशन, द ड्रग मैसिवेशन मेंस्ट्रम रेशियो इसके अंदर लो होती है। तो डबल मैसिवेशन के अंदर जो वॉल्यूम है टोटल मेंस्ट्रम का, वो दो इक्वल पोर्शंस में डिवाइड किया होता है हमने। तो उसका रीजन ये होता है कि आप पहले आधे पोर्शन के अंदर उस ड्रग को रखें, तो जब तक वो इक्विलिब्रियम हो जाएगा उसके बाद उस ड्रग को निकाल के दोबारा दूसरे नए सॉल्वेंट में रखें। और ट्रिपल मैसुरेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शन। सो नेक्स्ट पोर्शन या नेक्स्ट टाइप जो लीचिंग की है वो है पर्कुलेशन। पर्कुलेशन बेसिकली वो भी अगेन रिलेटेड वर्ड से निकला है, जिसमें पर का मतलब है थ्रू एंड कोलेयर का मतलब है स्ट्रेन, थ्रू स्ट्रेन या स्ट्रेनिंग के अंदर। सो कम्यूनिटेड और क्रश ड्रग इज पैक इन अ कॉलम एंड सॉल्वेंट इज अलाउड टू पर्कुलेट थ्रू इट टिल कंप्लीट एग्जॉस्टन ऑफ द ड्रग। दिस प्रोसेस हाउएवर इंश्योर्स मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन। सिंपल पर्कुलेशन और पर्कुलेशन प्रोसेसेस इज यूज्ड फॉर टू मेक टिंक्चर्स एंड इट कैन बी मॉडिफाइड
रिवर्स परकुलेशन प्रोसेस और मॉडिफाइड परकुलेशन प्रोसेस। तो ऑपरेटर जिसके अंदर इस्तेमाल होता है परकुलेशन के नाम से ही है, उसको हम लोग परकुलेटर बोलते हैं। तो जो परकुलेटर हैं वो कॉनिकल परकुलेटर हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल या स्टीम जैकेटेड परकुलेटर हो सकते हैं। द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस आर ऑलमोस्ट सेम एक्सेप्ट फॉर टू टू थ्री पॉइंट्स। लाइक फर्स्ट स्टेप इज साइज रिडक्शन, देन वी यूज इम्बिबिशन, देन पैकेजिंग इन परकुलेटर, देन मैसिरेशन, then collection of solution, and then again fresh solvent is added. This is an example of percolation. ये आप देख सकते हैं कि crude plant material है, ये menstruum डाला हुआ है, ये इसके अंदर से pass on करेगा, ये perforated plate है जहाँ से ये menstruum नीचे आता जाएगा और यहाँ पे हम लोग उसको drain करते रहेंगे। और ये भी एक example है percolation की, यहाँ पे हम लोग ये ड्रग है और इसके अंदर हम लोग कोई भी अपनी मर्जी का जो फॉर्म लिक्विड या दूसरा लिक्विड है उसको डाल रहे हैं, नीचे आपके पास एक्सट्रैक्ट रेडी हो रहा है। द प्रोसेस यूजुअली इसकी थ्री स्टेजेस कही जाती है ऑफिशियल मेथड के अंदर, इम्बिबिशन, मैसिरेशन एंड परकुलेशन। सबसे पहले लेकिन जो आता है हमारे पास वो आता है साइज रिडक्शन। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो सब्जेक्ट है, जो हमारा पहला काम है वो है टू रिड्यूस द साइज ऑफ दैट ड्रग। तो जो परकुलेशन में इस्तेमाल होता है साइज, वो यूजली कोर्स पाउडर से फाइन पाउडर होते हैं। इट इज यूज टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ द ड्रग, फॉर यूनिफॉर्म पैकिंग ऑफ द परकुलेटर एंड टू इंश्योर कॉम्प्लेक्स एग्जॉशन ऑफ द ड्रग, सॉरी कंप्लीट एग्जॉशन ऑफ द ड्रग। इसके बाद जो अगला टॉपिक जो इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज इम्बिबिशन। इम्बिबिशन बेसिकली इज द स्वेलिंग कह लें आप, इन शॉर्ट कि पाउडर ड्रग को मॉइस्ट करते हैं विद सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मेंस्ट्रुअम एंड अलाउ इट टू स्टैंड फॉर 4 आवर्स इन क्लोज वेजर। इट इज डन इन ऑर्डर टू अलाउ स्वेलिंग ऑफ द टिश्यू बिफोर पैकिंग इन टू द परकुलेटर। ड्राई पाउडर अगर को अगर आप इफ पैक इन टू परकुलेटर दैट मे कॉज ब्लॉकेज ऑफ द परकुलेटर, तो इस वजह से स्वेलिंग अब जरूरी है ताकि जो आपके पास स्वेल्ड मटेरियल है उसके दरमियान में इनफ पोर्स हो कि मेंस्ट्रुअम वहां से गुजर सके। एंड प्रायर टू पैकेज ऑफ इम्बिटेड ड्रग इनटू परकुलेटर, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पार्टिकल साइज इज इंश्योर्ड बाय पासिंग मॉइस्ट मास थ्रू अ सीव ऑफ द पोर्स अपर्चर, ताकि जितनी भी जो क्लॉगिंग है उससे बचा जा सके। ग्लास वूल moistened with solvent is kept at the bottom to avoid blockage or of outlet of tap. सबसे पहले नीचे हम लोग उसकी बेस पे अगर आप देखें यहाँ पे हम लोग वो लगाते हैं कॉटन लगाते हैं ताकि जो ब्लॉकेज ना हो सॉल्वेंट की या उसकी टैप की। बट कॉटन वूल में नॉट बी यूज आफ्टर गेटिंग सोक्ड, इट वुड ऑल्सो क्रिएट इम्परमिएबल मैस। So embedded drug is packed into the percolator up to 2/3 or 3/4 of the volume of percolator. Filter paper उसके ऊपर रखते हैं हम लोग और उसके ऊपर एक thin layer लगा देते हैं sand की, ताकि जब ऊपर से आप solvent डालें तो वो this जो top layer है वो drug की वो disturb ना हो। And sufficient quantity of menstruum needs to be added to saturate the material. So when the liquid starts coming out of the percolator outlet is closed and added and add menstruum forming a layer of solvent above the embedded mass. उसके बाद पैकेजिंग करनी है कि पैकेजिंग वैसे भी हम लोगों ने देख ली, लेकिन पैकेजिंग इस तरह की नहीं होनी चाहिए, इतनी टाइट ना हो कि वो एक्सट्रैक्शन रेट को स्लो कर दें और इतनी लूज ना हो कि वो इतनी जल्दी menstruum पास हो जाए कि कॉन्टेक्ट के साथ ड्रग के साथ वो कॉन्टेक्ट ही प्रॉपर ना हो। So the drug should occupy 2/3 the capacity of the percolator. Then we need to macerate it. Moistened drug को 24 घंटे के लिए रहने देते हैं। इस प्रोसेस के दौरान menstruum dissolves कर लेते हैं active constituent of drug और usually almost saturate हो जाता है इसके साथ। Then final step इसके अंदर होता है percolation. Percolation basically is the downward displacement of the saturation solution. वो tap के जरिए जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बाहर आना शुरू हो जाता है मैसिलेशन एक्सट्रैक्शन के बाद, और बाकी जो ड्रग है जो बाकी एग्जॉस्ट ड्रग है वहीं पड़ी रहती है और
after collecting 3/4 of the required volume of the finished product और when the drug is completely exhausted, मार को प्रेस करते हैं ताकि उसके अंदर जो सॉल्वेंट है वो सारा बाहर निकल आए. मिक्स द एक्सप्रेस लिक्विड विद परकुलेट और इसके अंदर इतना मैस्ट्रम डालते हैं कि रिक्वायर्ड हो जाए वॉल्यूम, उसके बाद उसको फिल्टर कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल द टिंचर ऑफ बेलाडोना, कंपाउंड टिंचर ऑफ कार्डमम एंड स्ट्रॉन्ग टिंचर ऑफ जिंजर. एडवांटेजेस ऑफ दिस प्रोसेस आर इट इज क्वाइट सिंपल, कंप्लीट एक्सट्रैक्शन होती है, टाइम कम लगता है और फ्लेक्सिबल प्रोसेस फ्लेक्सिबल है. जबकि डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कुछ ऐसे प्लांट प्रोडक्ट्स लाइक रेजिन्स और ओलियो रेजिन्स वो स्वेल अप कर जाते हैं जैसे वो किसी मटेरियल के साथ या किसी सॉल्वेंट के साथ इन कॉन्टेक्ट आते हैं, तो दे कैन क्लॉग द परकुलेटर. इवन अगर कोई कंटेनर के अंदर होमोजीनस नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन सारी, तो वो भी जो है वो काम खराब कर सकती है. इनकम्पेटिबिलिटी विल ऑफ परकुलेशन विद सर्टेन हर्ब्स, क्या आप कुछ हर्ब्स को यकीनन नहीं यूज कर सकते इस प्रोसेस के साथ, एंड देयर इज एन एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी इन प्रोसेसिंग. हाउ कैन यू मेक श्योर दैट योर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इज कंप्लीटेड? जस्ट टेक द फ्यू ml ऑफ द लास्ट परकुलेट एंड evaporate it to dryness. जो आखिरी आप निकाल रहे हैं लिक्विड, जो आपको लगे कि एंड हो गया है उसका, तो आप उसको evaporate करें to dryness. अगर residue नहीं बचते तो इसका मतलब ये है कि ड्रग completely exhaust हो चुकी है. और उसके बाद हम लोग स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट कर सकते हैं परकुलेट के ऊपर, लाइक फॉर द प्रेजेंस ऑफ एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन, रेजिन्स और बिटर अदर बिटर कॉन्स्टिट्यूएंट्स. Next type of leaching is the continuous extraction. It is a type of extraction during which solution of drug immediately after with the contact with drug is evaporated and vapors are condensed and returned to the drug again. इसके अंदर जो मेस्ट्रम है वो उसको हम हीट अप करते हैं, उसके वेपर्स बनते हैं. वो वेपर्स जब जाते हैं ड्रग के साथ कॉन्टेक्ट में आते हैं तो उसमें से अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. बाद में वो रिकंडेंस होते हैं, रिकंडेंस होने के बाद वो दोबारा उसके साथ कॉन्टेक्ट में आते हैं, दोबारा उसके अंदर से जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स. उसके बाद जब दोबारा उनको रिवेपराइज किया जाता है, और इस तरह ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है. सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड इज अगेन एंड अगेन यूज टू ऑब्टेन मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन ऑफ द ड्रग. And this is usually performed by the Soxhlet apparatus. Soxhlet apparatus में flask होती है, extractor होता है और reflex condenser होता है. This is the diagram of Soxhlet apparatus. जो drug है उसको हम लोग इस thimble में रखते हैं, और जो boiling liquid है उसको हम लोग जो liquid है उसको हम लोग boil करते हैं, और वेपर वेपर जो है वो यहाँ से रिकंडेंस होके जब इस ड्रग के साथ कॉन्टेक्ट में आते हैं तो वो अपने अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं डिजायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और दोबारा इसमें आ जाते हैं. यहाँ से फिर वो बॉयल होते हैं और ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है. नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ सॉक्सेट रिपरेटर्स, जो रॉ मटेरियल है उसको हम लोग थिम्बल में रखते हैं, सॉल्वेंट को प्लेस करते हैं फ्लास्क के अंदर, और उसको हीट करते हैं हम लोग टू रिफ्लक्स इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क. पेपर्स कंडेंस होते हैं और रिफ्लेक्स कंडेंसर में, और दोबारा वो थिम्बल वाले चैम्बर के अंदर आ जाते हैं जहाँ से मटीरियल एक्सट्रैक्ट होना है. द चैम्बर स्लोली फिल्स विद द वार्म सॉल्वेंट एंड सम ऑफ द मटीरियल इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट. जब सॉक्सलेट अपरेटस ऑलमोस्ट फुल हो जाता है, इट इज ऑटोमेटिकली एम्प्टेड बाय साइफन साइड आर्म. तो ये साइड आर्म है, इससे जो है वो अलग हो जाता है, वो क्लियर हो जाता है. दिस साइकिल इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स टू एनरिच द सॉल्वेंट इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क विद द एक्सट्रैक्टेड मटेरियल. अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ हॉट सॉल्वेंट इज मेड टू परकुलेट द ड्रग टू गेट कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन. बार बार सॉल्वेंट तब्दील करना नहीं पड़ता. एडवांटेजेस इसके यही है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज यूज, प्योर सॉल्वेंट इज यूज टू ट्रीट द ड्रग, इंश्योरिंग मैक्सिमम एग्जॉशन एंड कंटिन्यूड एक्सट्रैक्शन कैन बी डन टू एग्जॉस्ट द कंप्लीट ड्रग.
दिस वॉज ऑल अबाउट सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। अब हम लोग देखेंगे लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, जिससे डायग्राम सबसे पहले पेज पे दिखाई थी मैंने। इसको हम लोग काउंटर करंट प्रोसेस, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन या पार्टीशनिंग भी बोलते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर जो सब्सटेंस है उसको एक दूसरे सॉल्वेंट के साथ इन कॉन्टेक्ट लाया जाता है, दो एमिसिबल सॉल्वेंट्स बनते हैं जिसमें एक ऑर्गेनिक फेज होती है और एक एक्वस फेज होती है यूजली, और इट डिपेंड्स अपॉन द हाइड्रोफिलिसिटी और हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ द मेटल। एंड पीएच आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, अगर पोलर ग्रुप्स आयोनाइज हो जाएं। दो तीन से चार एक्सट्रैक्शन हम लोग करते हैं टू रिमूव एज मच एज ड्राइड प्रोडक्ट एज वी कैन, एंड द ग्रेटर नंबर ऑफ स्मॉल एक्सट्रैक्शन द ग्रेटर द क्वान्टिटी ऑफ द सॉल्यूट रिमूव। हाउएवर मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए रूल ऑफ थंब है कि 3 times विद 1/3 वॉल्यूम आपने ये प्रोसेस करना है। द फैक्टर्स अफेक्टिंग आर कि हायर द पार्टीशन कोएफिशिएंट हायर विल बी द एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी, जितना ज्यादा पार्टीशन कोएफिशिएंट ज्यादा होगा उतनी ज्यादा एक्सट्रैक्शन की एफिशिएंसी ज्यादा होगी। इट लोअर्स द इंटरफेशियल टेंशन, विल इफ यू लोअर द इंटरफेशियल टेंशन जो एक्सट्रैक्शन रेट है वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जितना दोनों इमिसिबल लिक्विड्स के दरमियान टेंशन कम होगी उतना ही ज्यादा आप उसको अच्छे से शेक करके अपनी मर्जी के ड्रॉप उसमें से निकाल सकेंगे। एंड एड्सॉर्ब इम्प्योरिटीज ऑन द इंटरफेस रिटार्ड द ट्रांसफर ऑफ द सॉल्यूट। अगर वहां पे इम्प्योरिटीज आ गई इंटरफेस के ऊपर दो इमिसिबल लिक्विड्स की, तो वो इस प्रोसेस को रिटार्ड कर देगी। दो तरीके का काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन है, दो प्रोसेस हैं यूजुअली इसके अंदर। एक है डिस्पर्सिव लिक्विड लिक्विड माइक्रो एक्सट्रैक्शन एंड डायरेक्ट ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन। जो सबसे पहले हम लोग देखने लगे हैं वो है डिस्पर्सिव लिक्विड लिक्विड माइक्रो एक्सट्रैक्शन, जिसको DLLME भी बोलते हैं। इसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को वाटर सैंपल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। This process is done by injecting small amounts of appropriate extraction solvent, C2Cl4 or tetrachloroethylene, and a dispersive solvent acetone into aqueous solution. Aqueous solution के अंदर हम लोग ये दो appropriate solvent डालते हैं, जो resulting solution होता है उसको हम लोग centrifuge करते हैं, ताकि organic और aqueous layer अलग हो जाएं, और उसके बाद हम लोग इसको दोनों लेयर्स को अलग कर लेते हैं। दिस प्रोसेस इज यूजफुल इन एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक ऑर्गेनोक्लोराइड एंड ऑर्गेनोफॉस्फोरस पेस्टिसाइड्स एज वेल एज बेंजीन कंपाउंड्स। नेक्स्ट इज डायरेक्ट ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन। सो दिस प्रोसेस इज डन बाय मिक्सिंग पार्शियली ऑर्गेनिक सॉल्युबल सैंपल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक टोलुइन, बेंजीन और ज़ाइलीन। The organic soluble compound will dissolve into the solvent and can be separated by using a separatory funnel. This process ko hum log use karte hain for proteins, specifically phosphoproteins or phosphopeptide phosphates ke liye. This is the process jo hum logon ne already pehle isko details se dekh liye. Applications iske kya hain? Major application exists in biochemical or pharmaceutical industry that emphasizes on the separation of antibiotics and protein recovery, and in the inorganic chemical industry hum log high boiling components like phosphoric acid, boric acid ya sodium hydroxide ko aqueous solution se nikalne ke liye isko istemal karte hain, kyunki like dissolve like rule aapko pata hai usually organic solvents jo hain aur ya organic compounds organic solvents ke andar zyada hal hote hain. Next is large scale extraction process. इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो है सर्कुलेटरी एक्सट्रैक्शन। तो एफिशिएंसी ऑफ एक्सट्रैक्शन मेस्टुरेशन प्रोसेस के अंदर आप इंक्रीज कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं बाय अरेंजिंग फॉर द सॉल्वेंट टू बी कंटिन्यूअसली सर्कुलेटेड थ्रू द ड्रग, के आप ऊपर से कंटिन्यूअसली जो है वो सॉल्वेंट डालते रहेंगे और उसका होगा क्या कि जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। सॉल्वेंट इज पंप्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वेसल टू द इनलेट वेयर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू स्प्रे नोजल। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये पंप लगा हुआ है, ये ड्रग पैक हुई हुई है उस ड्रम के अंदर या और
जो पंप है वो स्प्रे नोजल के जरिए यहाँ पे पूरी उसको स्प्रे करेंगे हम लोग सॉल्वेंट को, और जो प्रोडक्ट है वो आपको मिल जाएगी। द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट रिड्यूसेस बाउंड्री लेयर्स एंड द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मिनिमाइज लोकल कंसंट्रेशन इन अ शॉर्टर टाइम। थोड़े वक्त में ज्यादा जो आपके पास कंसंट्रेशन है बन जाती है। प्रोसीजर इसका क्या है? फिल द एक्सट्रैक्टर विद ड्रग, एड सॉल्वेंट एंड सर्कुलेट, रन ऑफ टू रिसीवर वन। दीज आर द रिसीवर्स, और ये बेसिकली है, ये ड्रग है आपके पास। यहाँ पे आप पंप है, यहाँ पे नोजल है जो कि स्प्रे करेगी। ये सारा जो सॉल्वेंट है इनके साथ रिसीवर्स किस तरफ जाता जाएगा, और सेम सॉल्वेंट जो है वो इस्तेमाल होता रहेगा। साइकिल रिपीट करने से एक्सट्रैक्शन जो है वो लार्ज स्केल के ऊपर कंप्लीट हो जाएगी। फिल द एक्सट्रैक्टर विद ड्रॉग, एड सॉल्वेंट एंड सर्कुलेट, रन ऑफ टू रिसीवर वन दैट इज हियर, देन रीफिल एक्सट्रैक्टर विद सॉल्वेंट एंड सर्कुलेट, रन ऑफ टू रिसीवर टू। यहाँ पे सबसे पहले सॉल्वेंट डालें, उसको जब वो हो जाए प्रोडक्ट तो सॉल्वेंट जो है वो रिसीवर वन में आ जाएगा। उसके बाद दोबारा सॉल्वेंट से भरें और उसको रिसीवर टू के अंदर ले जाएं, और रीफिल करें एक्सट्रैक्टर को विद सॉल्वेंट और सर्कुलेट करें पूरा, और उसको एक्सट्रैक्टर थ्री से ले जाएं। अब एक्सट्रैक्टर से रिमूव करें ड्रग और उसको रिचार्ज करें। रिटर्न सॉल्वेंट फ्रॉम वन टू एक्सट्रैक्टर, रिमूव फॉर उसको एवेपोरेशन से रिमूव कर लें। फिर उसके बाद सोल्यूशन जो फ्रॉम नंबर टू एक्सट्रैक्टर को उसकी तरफ लेके जाएं, सर्कुलेट कराएं, देन उसको रिसीवर नंबर वन की तरफ ले जाएं, देन रिटर्न सॉल्यूशन फ्रॉम थ्री टू एक्सट्रैक्टर एंड सर्कुलेट, रन ऑफ टू रिसीवर टू। उसके बाद एड फ्रेश सॉल्वेंट टू द एक्सट्रैक्टर एंड सर्कुलेट, रन ऑफ इट टू एक्सट्रैक्टर थ्री, एंड देन रिमूव ड्रग फ्रॉम द एक्सट्रैक्टर एंड रिचार्ज इट विद न्यू ड्रग, एंड देन कीप ऑन रिपीटिंग द साइकिल। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस? ड्रग, सॉल्वेंट, और जब ड्रग इमर्स होती है सॉल्वेंट के अंदर तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो इफेक्ट करता है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को। सो बाय एजिटेटिंग द मिक्सर ओकेजनली दिस प्रोसेस कैन बी एनहेंस्ड, और कंसंट्रेशन जो है वो एनहेंस की जा सकती है। If the drug is positioned so that the solvent flows past the particles, the flow replaces the solution by pure solvent that causes the increase in the concentration gradient. Flow of the solvent between particles reduce the boundary layer that increase the concentration of the product. And this can be achieved by suspending drug in a cloth bag and above a perforated plate, जो हम लोग पहले ऑलरेडी कैलकुलेशन में देख चुके हैं। Then elevated temperature के advantages हैं कुछ के सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट मटेरियल इज हायर एट हाई टेम्परेचर, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट गेट रिड्यूस जिसकी वजह से जो सरफेस बाउंड्री है वो कम हो जाती है उसकी थिकनेस, डिफ्यूजन कोफिशिएंट इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी। सो बाय रेजिंग द टेम्परेचर इट इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ डिफ्यूजन कंसिडरेबली, एंड बाय सेटिंग कन्वेक्शन करंट वी कैन एनहांस दिस प्रोसेस। Which type of solvents are used for the extraction process? Ideal solvent कौन होगा? That is available at low price. उसकी highly selectivity हो for the compound to be extracted. High capacity होनी चाहिए extraction के लिए. No react with the extracted compound. Extracted compound के साथ react ना करे. Inert होना चाहिए. Low price पे available हो. Harmless हो to the man and to the environment obviously. वोलेटाइल हो कि उसको रिमूव किया जा सके फॉर कंसंट्रेशन पर्पसेस, एंड जो जनरली सॉल्वेंट्स इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं वाटर, ईथर एल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म। लेट्स सी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटर एज सॉल्वेंट। सबसे पहले एडवांटेजेस में, इट इज रेडिली अवेलेबल, इट इज चीप, इट इज गुड सॉल्वेंट फॉर मेनी प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एंड इट इज यू इट कैन बी यूज्ड विद अदर सॉल्वेंट्स एज वेल। जिसके इसके काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, लाइक बहुत सारे जो प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं एंड दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। जो प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं लाइक शुगर, गम, स्टार्च, कलरिंग एजेंट, जो आपको नहीं चाहिए एक्सट्रैक्शन के जरिए पानी के अंदर, वो सारे चीज़ें जो हैं वो डिजोल्व हो सकती हैं। बिसाइड्स एक्वस प्रिपरेशन के अंदर
जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा होती है। वाटर कैन कॉज हाइड्रोलिसिस ऑफ द सब्सटेंस एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट इज नीडेड टू कंसंट्रेट द एक्सट्रैक्शन, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली 100 डिग्री है। सो अगर आपने उसको कंसंट्रेट करना है तो वी नीड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट टू डू दैट। देन अल्कोहल एज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ऑफ अल्कलॉइड्स, अल्कलॉइडल सॉल्ट, ग्लाइकोसाइड, वोलाटाइल ऑयल एंड रेजिन, इन सबको अल्कोहल की मदद से जो है वो अलग किया जा सकता है। इट ऑल्सो डिजॉल्व्स मैनी फॉर्म ऑफ कलरिंग मैटर, टैनिंस, मैनी ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सॉल्ट्स, बट इट डज नॉट डिजॉल्व गम्स, वैक्सेस, फैट्स, विक्विक्स, ऑयल्स एंड शुगर्स। डिसएडवांटेजेस इसके दो ही हैं कि कॉस्टली है और इसको आग लग सकती है, जबकि एडवांटेजेस में कि माइक्रोबियल ग्रोथ इसके अंदर नहीं पॉसिबल अगर वो 20% से ज्यादा उसके अल्कोहल कंसेंट्रेशन है तो। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज नीडेड टू कंसेंट्रेट द अल्कोहलिक प्रिपरेशन, नॉन टॉक्सिक है एंड डिसॉल्व्स द सिलेक्टिव एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ड्रग। एसीटोन, एसीटोन को जब हम यूज करते हैं या क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स को, तो उनको यूज किया जा सकता है, और जो ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं वो हैं हमारे पास पेट्रोलियम ईथर और बेंजीन। और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग यूजिनॉल के लिए एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम क्लोव। लास्ट हेडिंग है इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्रोसेस। पहली इम्पोर्टेंस है क्वांटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन, मतलब जो पोटेंसी ऑफ ड्रग है इट कैन बी कंट्रोल्ड इन एक्सट्रैक्ट देन इन ब्रू ड्रग। मोर स्टेबल फॉर्म होती है ये, ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेंस कर जाती है, लाइक पैलेटेबल ज्यादा हो जाती है और एलिगेंसी ज्यादा हो जाती है। द फॉर्मुलेशन इज ईजी, आप टेबलेट के अंदर क्रूड मटीरियल नहीं डाल सकते, लाइक सेना के अंदर सेना की लीव्स को ड्रैग कंप्रेस किया जाता है टेबलेट्स में, लेकिन सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ द ड्रग इज मोर इजिली फॉर्मुलेटेड, ज्यादा स्टेबल होती है, पैलेटेबल होती है। आप रूट चेंज कर सकते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, आप क्रूड मटीरियल को नहीं कर सकते इंजेक्ट, लेकिन आप उसको इंजेक्शन में कर सकते हैं अगर आपके पास वो एक्सट्रैक्ट फॉर्म में है तो। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट इज इजी, एक्सट्रैक्ट्स आर लेस बल्की एंड दे कवर लेस स्पेस एंड स्मॉलर बल्क फैसिलिटेट मोर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। वेल दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर, थैंक यू सो मच। फॉर एनी क्यूरीज जॉइन अस ऑन आवर सोशल मीडिया साइट्स।